हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ममा एंड शिवाय। आज है करवा चौथ, सो फाइनली द डे अराइव्ड जिसके लिए इतने दिनों से तैयारियां हो रही थी। सो अगर आप करवा चौथ का फास्ट रखती हैं तो आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करूंगी मेहंदी से। मैंने मेहंदी लगवा ली थी मंडे के दिन, क्योंकि ट्यूसडे के दिन बहुत रश हो जाता है एंड क्योंकि मेरे पास छोटा बेबी है तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ता है एंड थोड़ी सिचुएशन भी सही नहीं है तो मैं बाहर जाना अवॉइड करती हूँ। इसके लिए मैंने घर पे ही, एक पड़ोस में लड़की रहती है जो मेहंदी लगाती है, उसको मैंने घर पे बुला लिया था एंड उसने बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई है। फाइनली माई मेहंदी इज डन एंड मुझे लगता है शिवाय के होने के बाद फर्स्ट टाइम मैंने इतने अच्छे से मेहंदी लगवाई है। मुझे मेहंदी का काफी शौक है शुरू से ही, बट शिवाय के बाद में लगवा नहीं पा रही थी क्योंकि उसको कौन संभालेगा एंड सारे काम कैसे होंगे घर के। सो आज मैंने मेहंदी लगवाई है एंड ऑफिस आवर्स में मैंने मेहंदी लगवाई है, तो मेरी सिस्टर ने कहीं से जुगाड़ किया, उसने बोला कि तू मेहंदी लगवा ले इस बार अच्छे से एंड थोड़ी देर में शिवाय को रख लूंगी, इतने में तेरी मेहंदी लग जाएगी एंड नाउ यू कैन सी माई मेहंदी। So this is from front and this is from back. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे मैं हेड वॉश करके आ गई हूँ, नाना धोना हो गया है, मुझे लगा था थोड़ा टाइम होगा तो मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर पाऊँगी, बट शिवाय थोड़ा टाइम से पहले उठ गया। तो यहाँ पे मैं बॉईल कर रही हूँ शिवाय की बॉटल। सबसे पहले इन लोगों का ब्रेकफास्ट मैं बना देती हूँ, तो गोभी पड़ी थी मैंने सोचा गोभी के पराठे बना देती हूँ इन दोनों के लिए, फिर थोड़ा सा मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कुछ कर पाऊँगी अपने लिए। लगा दो जल्दी जल्दी सारे कलर्स। ये है मेरा प्यारा सा कलरफुल करवा एंड जब से ये आया शिवाय की इसके ऊपर बहुत नजर है, इससे पहले कि वो इसको खराब कर दे इसको छुपा देते हैं। हाँ ढूंढ लो, लेके आओ मुड्डा। काय मुड्डा, काय मुड्डा है, ढूंढ रहे हो तुम सामान है ना, इधर आओ। वो रहा, वो रहा मुड्डा, वो रहा मुड्डा, मुझे पता था आप मुड्डा ढूंढ रहे हो। तो चलिए अब लंच प्रिपेयर कर देती हूँ मैं इन दोनों के लिए एंड आज मैं बनाऊंगी इनके लिए बैंगन का भरता, क्योंकि शिवाय की तबीयत थोड़ी सी डल चल रही है। सो मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं उसके लिए बैंगन का भरता बनाऊंगी। बैंगन का भरता थोड़ा गर्म होता है तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। सो अभी 12:30 हो चुके हैं, मैं सोच रही हूँ जल्दी से खाना बना के मैं उसको खिला दूँ ताकि वो सो जाए, उसके बाद मैं अपनी थोड़ी बहुत तैयारी कर पाऊँ, अदरवाइज के सामने तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी आज। ये है मेरी रेड कलर की वेलवेट की चूड़ियाँ एंड ये आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। इसके साथ मैंने यहाँ पे मोती के कंगन यूज़ किए हैं क्योंकि मेरी चुन्नी के ऊपर थोड़ा मोती वर्क है। तो अभी एग्जैक्ट 2:30 बज गए हैं एंड शिवाय सोने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो फाइनली मैं उसको सुला के आ गई हूँ। थोड़ा सा मैं मेकअप करूँगी, पहले मैंने सोचा था बहुत अच्छा लुक क्रिएट करूँगी, बट होता है ना कि आप जो सोचते हो वो नहीं होता है
एंड आप सोचो मैं बाथरूम के मिरर के सामने मेकअप कर रही हूँ क्योंकि शिवाय सो गया है बेडरूम में एंड वहाँ का मिरर मैं यूज़ नहीं कर सकती। थोड़ा सा मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ ताकि मेरे चेहरे पे थोड़ी सी चमक आए एंड मेरा जो नया मेकअप मैंने खरीदा मैं वो यूज़ कर सकूँ। मैं ट्राई करने वाली हूँ नायका लिपस्टिक एंड देखते हैं इसका कैसा रिजल्ट होता है। एंड वाओ आई एम रियली अमेज्ड, दिस इज रियली परफेक्ट। एंड लास्ट बिंदी लगा लेती हूँ, बिंदी के बिना किसी भी इंडियन लेडी का लुक परफेक्ट नहीं होता है। सवा तीन हो गए हैं और मैं आ गई हूँ यहाँ पे करवा माता की कथा पढ़ने के लिए। थोड़ा सा मैं तैयार हुई, उसके बाद मैंने थोड़ी फ़ोटो वोटो खिंचाई तो उसके चक्कर में थोड़ा और लेट हो गया। एंड अब मैं यहाँ पे सबसे पहले सत्या बनाऊँगी अपने करवे के ऊपर एंड फिर हम इसकी कहानी पढ़ेंगे। एंड फाइनली जितने मेरे पास चावल थे वो चावल मैं अपनी चुन्नी के अंदर बांध लूँगी एंड जब रात को मैं चांद को पानी दूंगी ये चावल भी मैं चांद को अर्पित कर दूंगी। सो इस तरह से ट्रेडिशन है जो कि हम फॉलो करते हैं एंड हो सकता है आप सबके यहाँ ये डिफरेंट डिफरेंट वे में होता होगा। तो मैं आ गई हूँ किचन में डिनर प्रिपेयर करने के लिए। हम लोगों के यहाँ हलवा पूरी नहीं बनता है करवा चौथ पे क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं पूरी खाना एंड पूरा दिन व्रत रखने के बाद मुझे भी इतना हैवी अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ बना रही हूँ दाल मखनी एंड हम रोज़ कुछ दाल का ही ऑप्शन खाते हैं तो मुझे लगा दाल मखनी विल बी परफेक्ट। एंड इसके अलावा रात को नुकसान ना दे इसके लिए आप इसमें अच्छे से मसाले डालिए, हींग डालिए, लहसुन अदरक डालिए तो आपको कभी नुकसान नहीं देगी दाल मखनी रात के टाइम पर। डिनर भी रेडी हो गया है एंड अभी बजे हैं 7:45। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 8:30 तक चांद आएगा। सो अभी भी 45 मिनट है एंड और बुक कराना पड़ेगा एंड आई एम हंग्री नाउ। चूड़ियां तो यार सुंदर लग रही है चूड़ियां, बट इसमें से ना बहुत रेड कलर निकला विच आई डोंट लाइक। चूड़ियों में से यार आई वॉज एक्सपेक्टिंग 8:30 बजे तक चांद आ जाएगा बट अभी बच गए हैं 8:55 एंड चांद का कोई अता पता नहीं। भूख लग गई, चांद नहीं आया, अब तो मेरे पेट के चूहे भी सारे मर गए और शिवाय आ गया। शिवाय गोदी, शिवाय गोदी, चलिए आओ गोदी 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 गोदी। और मामा भूखी बैठी है ना। चांद छुपा
इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन हिट करके जाइए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई नई वीडियो बनाओ तो आपसे मिस ना करें। आप मुझसे इंश्योर से पर्सनली कनेक्ट होने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शिवाय आ रहा है, शिवाय आ रहा है। फोन नहीं मिलेगा बेटा। आपने इतना सारा टीका कैसे लगाया? ये कहाँ से लगाया इतना सारा टीका? बाय बोलो, पहले बाय बोलो, पहले बाय करो, बाय 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 करो, बाय कर दो, बाय बाय।